स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनमंच न्यूज और मैं हूं देवेंद्र कुमार। इन दिनों आप जनमंच न्यूज पर लगातार देख रहे हैं छोटू और आरती की प्रेम कहानी। जी हां, छोटू और आरती की प्रेम कहानी धीरे धीरे एक नए मोड़ पर जाते हुए दिख रही है। अभी मैं सबसे बड़ा अपडेट दे दूं, आरती इस वक्त पूर्णिया के अस्पताल में एडमिट है। वो बेहतर इलाज के लिए एडमिट हुई हैं और एक तरफ आरती अपने आप से लड़ाई लड़ रही है, दूसरी तरफ उस अपराधी के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है जो आप लोगों के द्वारा समर्थन मिलना चाहिए था, वो अब कम मिल रहा है। आरती को फंसाने की गहरी साजिश रची जा रही है। कुछ तथाकथित यूट्यूबर के द्वारा आरती के प्रेम पर संदेह का सवाल खड़ा किया जा रहा है। आपको पता है कि छोटू आरती के प्रेम में इस दुनिया में से गुजर गया। इस दुनिया से जाने के पीछे उसका सबसे बड़ा कारण था, वह प्रेम था। वह प्रेम ही था जो रात को 2 बजे छोटू आरती के घर पर गया था और उसके बाद आरती के परिवार वालों ने उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। लेकिन कुछ तथाकथित यूट्यूबर पत्रकार के द्वारा आरती को घेरा जा रहा है। घेरा यह जा रहा है कि आरती ही ने छोटू की हत्या करवाई है। यह सबसे बड़ा सवाल है, इतनी गहरी साजिश आरती कैसे कर सकती है जब आरती का सारा नियंत्रण उसके परिवार वालों के पास था। उसके पापा, उसके जीजा, उसके भाई, उसके भाभी और सभी परिवार के लोगों के पास तरह तरह के अफवाहें उड़ाई जा रही है। जनमंच न्यूज की टीम लगातार रानीगंज में बनी हुई है। आप जनमंच न्यूज के माध्यम से इससे पहले का वीडियो देख सकते हैं जब हमारे सहयोगी गोविंद कुमार जी ने छोटू के माता से बात करने की कोशिश किए तो वो बेहोश हो गई। जब वो होश में आई तो बताई कि छोटू मेरा बीए पार्ट 1 का पढ़ाई कर रहा था, तो छोटू आत्महत्या कैसे कर सकता है, इतना पढ़ा लिखा लड़का आत्महत्या कैसे कर सकता है जब उसके जीवन में किसी तरह का दुख नहीं। ये सोशल मीडिया पर अफवाह उड़ाई जा रही है कि छोटू आत्महत्या किया है, लेकिन छोटू आत्महत्या नहीं किया है, उसकी हत्या हुई है और आरती उसी की लड़ाई लड़ रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है, कुछ महिला समाज सेवी हैं जो तथाकथित आरोप लगा रही हैं कि वो आरती के भाभी से बात की है, वो और आरती के भाभी बता रही हैं कि आरती गलत है। सबको पता है कि छोटू जो रात में आरती के घर गया था, भाभी के कहने से ही घर गया था, वो भाभी वो कड़ी है जो आरती और छोटू की शादी करवाना चाह रही थी और आज भाभी मुकर रही है। भाभी इसलिए मुकर रही है क्योंकि उसके पिता उसके पति सबको अब फांसी होने वाली है। वो बचने की हर तरीका अपना रही है, वो चाह रही है कि आरती किसी तरह से बदनाम हो जाए, लेकिन सच छिपता नहीं है, सच उजागर हो ही जाता है। सच आप लोगों के सामने है। रानीगंज पुलिस लगातार तफ्तीश कर रही है, बाकी अपराधियों को खोज रही है। अब तक रानीगंज पुलिस बाकी अपराधियों को खोज नहीं पाई है। 3 अपराधी जो हैं, आरती के पिता, भाई और जीजा, तीनों जेल में हैं और अभी तक उन्हें कोर्ट के द्वारा सजा नहीं दिया गया है। यह तो वक्त बताएगा कि इन तीनों को सजा क्या मिलेगी और बाकी जो अपराधी वो कब पकड़े जाएंगे। लेकिन इससे पहले जो आरती के चरित्र का जो हनन किया जा रहा है, यह कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। आरती बिहार की बेटी है जो हिम्मत की है अपने परिवार के खिलाफ जाकर उसके ऊपर जेल भेजने की पूरी कोशिश कर रही है वो, ताकि अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। हम आप लोगों से गुजारिश कर रहे हैं कि कृपया आरती को सपोर्ट करें। इस वक्त
आरती के हालात सही नहीं है। एक तरफ आरती आर्थिक परेशानी से भी जूझ रही है, इस वक्त आरती को आर्थिक मदद की भी बहुत जरूरी है। आरती को आर्थिक मदद भी मिलनी चाहिए ताकि ये लड़ाई को लड़ सके। लगातार आरती को छोटू के पिता सपोर्ट कर रहे हैं। छोटू के पिता ने कहा, आरती जो चाहेगी वो मैं करूंगा, आरती को अपना बेटी मान लिए हैं। कुछ लोग सवाल यह भी कर रहे हैं कि आरती को इतना प्रेम क्यों दिया जा रहा है छोटू के परिवार के द्वारा। अरे भैया, छोटू के परिवार वालों ने छोटू को खो दिया है, लड़ाई लड़नी है, आरती को जीत दिलाना है। अगर आरती को साथ नहीं दिया जाएगा तो फिर किसे साथ दिया जाएगा? आरती को साथ चाहिए आप लोगों का। तरह तरह का छोटू के ऊपर कमेंट किया जा रहा है। रात को 2 बजे क्या वो शहीद होने गए थे, कारगिल युद्ध में गए थे? अरे भैया, 2 बजे रात्रि को उसे बुलाया गया था, उसके भाभी ने लोभ दिया था, लालच दिया था कि आपकी शादी पक्की होगी, और आज भाभी मुकर गई है। लगातार आरती चिक-चिक के कर रही है कि भाभी सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, लेकिन उसे नजरअंदाज किया जा रहा है और आरती को फंसाया जा रहा है। आरती को जनमंच न्यूज कभी हारने नहीं देगी। जनमंच न्यूज आरती को समर्थन करते रहेगी जब तक आरती को न्याय नहीं मिल जाए। जो भी तथा कथित नशे में चूर होकर पत्रकारिता कर रहे हो सोशल मीडिया के आड़ में, वो कितनों कुछ कर ले, लेकिन छोटू के हत्यारे को सजा मिलेगी और आरती के प्रेम की जीत होगी। दोस्तों, प्लीज, जो भी नापाक कोशिश कर रहा है आरती को बदनाम करने का, उसे मुंहतोड़ जवाब दीजिए। आप लोग उसे बता दीजिए कि बिहार की बेटी में दम है, वो हार नहीं सकती है। अगर लगता है कि आरती निर्दोष है तो साथ दीजिए आप लोग, अगर नहीं लगता है तो जनमंच न्यूज के पेज से आप लोग बाहर हो जाइए। आपको जनमंच न्यूज की खबर देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जनमंच ने मन बना लिया है कि इस बार आरती झुकेगी नहीं। आरती घर में थी, उसके घर में ही छोटू को मौत का घाट उतारा गया। सोचिए, एक मासूका के सामने उसके आशिक की बलि दे दी गई। क्या बीत रहा होगा, उस रात का मंजर क्या होगा जब आरती चीख सुन रही होगी छोटू का, और उसके परिवार वाले कभी उसके नाखून कबार रहे थे, उसे कभी पिटाई कर रहे थे तो कभी करंट से टॉर्चर कर रहे थे। ये आरती के दिल में ना छोटू का ना लावा फट रहा है, लावा उठ रहा है कि छोटू के हत्यारे को सजा दिला के रहेगी। हम आरती के जज्बे को सलाम करते हैं जो लगातार आरती छोटू के साथ बनी हुई है। लोग उस पर तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं, भविष्य में आरती की शादी नहीं होगी, क्योंकि तथा कथित मीडिया वाले तथा कथित यूट्यूबर ने उसे बदनाम करने की नापाक कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आरती ने साफ कह दिया कि मैं शादी नहीं करूंगी, मैं छोटू के नाम पर ताउम्र विधवा रहूंगी। ये है आरती का प्रेम। कुछ लोग कहते हैं कि दोनों का प्रेम का प्रमाण क्या है? अरे भैया, प्रेम का कोई प्रमाण नहीं होता, प्रेम तो दो दिलों का मेल होता है। फोटोग्राफ नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं ना कि उसमें प्रेम नहीं था। जरूरी नहीं है कि प्रेम है तो फोटोग्राफ होना ही चाहिए। प्रेमी प्रेमिका से मिलने की रात में आया था, सबको पता है। इसलिए आरती को फंसाइए मत, आरती को सोशल मीडिया के आड़ में बदनाम मत कीजिए। जो सच है वो सच दिखाइए, रानीगंज थाना से बात कीजिए, दबाव बनाइए। आप लोग जितने यूट्यूबर पत्रकार जो आरती को घेरे हुए हैं, वो जाके पुलिस को घेरिए। प्लीज दर्शकों, आरती को समर्थन कीजिए। प्लीज इस खबर को शेयर करते रहिए आप लोग। धन्यवाद आपका।